Subscribe our channel and press the bell icon so that you will never miss any update. हाय फ्रेंड्स, आज हम चंद्रकला बनाने जा रहे हैं। चंद्रकला के डो के लिए मैंने लिया हुआ है 2 कप मैदा, 1/2 कप घी, 1/2 कप वाटर। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम मावा, जिसे मैंने 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भून लिया है, 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, 1 कप ग्रेटेड कोकोनट, 15 से 20 किशमिश, 5-6 पिस्ते बारीक कटे हुए, 5-6 काजू बारीक कटा हुआ, 5-6 इलायची के दाने। चाशनी के लिए हमें चाहिए 2 कप शक्कर, 1 स्पून रोज वाटर, 5 से 6 इलायची, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन। चलिए अब डो तैयार करते हैं। इसके लिए हम मैदा को एक बड़े बाउल में सेट कर लेते हैं। इसमें हम घी ऐड कर लेंगे। घी को हम प्रॉपर मिक्स कर लेते हैं इसमें। ये देखिए, हमारा घी अच्छे से मिक्स हो गया है मैदे में। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसे टाइट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा डो तैयार हो चुका है। मैंने इसे टाइट गुथा हुआ है। इसे अब 15 से 20 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे। चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ग्रेटेड कोकोनट, चीनी, किशमिश, काजू, पिस्ता, इलायची। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारा स्टफिंग तैयार है। अब चंद्रकला तैयार कर लेते हैं। हमें समान साइज के 2 इस तरह से मैदे की पेड़ियां बनानी है और इसे बेल लेते हैं। चंद्रकला की हमारी दोनों पूड़ियां तैयार हैं। अब हम इसमें 1 पूड़ी पे स्टफिंग डालेंगे और उसके चारों तरफ ऐसा पानी लगा लेंगे। दूसरी पूड़ी से इसे ढक देंगे, ऐसे इसे पैक कर देंगे इस तरीके से। अब इसे उठाते हुए ऐसे मोड़ते जाएंगे। लीजिए, हमारा चंद्रकला तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी चंद्रकला भी तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारे सारे चंद्रकला तैयार हैं। अब इसे फ्राई करते हैं। चलिए अब हम अपने चंद्रकला को फ्राई कर लेते हैं। ध्यान रहे आपका ऑयल मीडियम गर्म हो, हाई फ्लेम में ना डालें। तरफ फ्लिप करते हुए दोनों तरफ लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। देखिए, हमारी चंद्रकला का कलर लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे अब निकाल लेते हैं और इसके लिए चाशनी तैयार करके इसे चाशनी पर डिप करेंगे। चलिए अब चाशनी तैयार कर लेते हैं। 1 कप पानी डाल लेंगे। देखिए, हमारे सारे शक्कर पिघल चुका है। इसे हम गाढ़ा कर लेते हैं। हम अपनी चाशनी में अब इलायची मिला देते हैं और ये गुलाब जामुन। देखिए, हमारी चाशनी अब गाढ़ी हो चली है। देखिए, हमारी चाशनी तैयार है। हमने यहाँ गाढ़ी चाशनी बनाई है। ये देखिए, इस तरह से गाढ़ी चाशनी बना ली है। इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन डाल देंगे ताकि
क्रिस्टलाइज मत हो। और हमारा सिरप जमेना, हमारी चाशनी तैयार है। अब हम अपने चंद्रकला को इसमें कोट कर लेते हैं। हम इसे चाशनी में ही रखेंगे ताकि ये चाशनी से अच्छी तरीके से कोट हो जाए, फिर इसे प्लेट पर निकाल लेंगे। देखिए हमारी चंद्रकला तैयार है। आप भी इसे बनाइए और शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ। हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नई रेसिपी के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें।